हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्लासी का युद्ध डिस्कस करेंगे। यह सोशल साइंस का हमारा चौथा लेक्चर है। यदि आपने मेरे पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देखिए। आपको देखकर अच्छा महसूस होगा और समझ में आएगा। तो चलिए फिर मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। देखता हूँ कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। चलिए फिर अपने लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हमारा क्या प्लासी का युद्ध हुआ था, कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला जो था, बंगाल का नवाब था। नवाब मतलब कि राजा था। और रॉबर्ट क्लाइव जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपने तीसरे लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, मीर जाफर था। और रॉबर्ट क्लाइव का सेनापति जो किलपैट्रिक था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को एक लालच दिया। लालच दिया यह कि यदि तुम मुझे युद्ध जिता देते हो, इसने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा मीर जाफर से कि यदि तुम मुझे युद्ध जिता देते हो तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो क्या हुआ, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया। गद्दारी कर दिया तो सिराजुद्दौला ने कहा कि दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। तो मतलब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव तो दुश्मन था, लेकिन यहाँ मीर जाफर तो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको तो धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के चक्कर में पड़कर इन्हें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध को हार गया। जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, वादा किया था कि यदि मुझे तुम युद्ध जिता देते हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीत गया, देखिए यहाँ पर लिख दिया हमें, रॉबर्ट क्लाइव जो था युद्ध जीत गया, युद्ध जीता, तो विजय के पश्चात वो क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। कौन? मीर जाफर। देखिए यहाँ पर जो मीर जाफर था, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, इसके साथ गद्दारी दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, धोखेबाज सेनापति कहते हैं। यदि आपसे किसी क्वेश्चन पूछता है कि धोखेबाज सेनापति किसका था, तो धोखेबाज सेनापति मीर जाफर था। इसने इसका बात माना मीर जाफर ने, इसीलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं। क्योंकि उसने उसका बात माना और अपने राजा को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। अब अगले लेक्चर में तो आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को। अब देखिए, जब 1760 ईस्वी आया तो क्या हुआ, अब इसको मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। उसके दामाद जो मीर कासिम जो था, मीर जाफर, देखिए मीर कासिम कौन था, मीर जाफर का दामाद था, जिसे बंगाल का नवाब बना दिया। आप सोचेंगे आखिर क्यों इसको नवाब बना दे, क्योंकि बंगाल का नवाब इसलिए मीर कासिम को बना दिया गया क्योंकि मीर जाफर था वो अंग्रेजों को या रॉबर्ट क्लाइव को टैक्स नहीं दे पा रहा था, इसलिए क्या कर दिया गया, इसको मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जबकि मीर जाफर को बंगाल के नवाब क्या होगा, नवाब के पद से हटा दिया गया। और मीर कासिम कौन था, मीर जाफर का दामाद था। जो हमारा मीर कासिम था वो मुर्शिदाबाद से राजधानी को किसका, मुर्शिदा क्या था, हमारे बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर कर दिया था। और आगे देखते हैं, जो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में औपनिवेश की स्थापना हो गई। औपनिवेश की क्या होती है कि इस समय अंग्रेज कहे थे कि हम तो आएंगे सिर्फ व्यापार करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब व्यापार करते करते अपना राज्य विस्तार भी करने लगे। क्या राज्य विस्तार भी करने लगे, कौन, अंग्रेज ने। अब देखिए, और लेक्चर को आगे बढ़ाते, अब देखिए यहाँ पर मीर जाफर के
नाम, मतलब मीर जाफर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं किसने क्या किया था, मीर जाफर अपने नवाब को क्या कर दिया था, धोखा दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़, या फिर धोखेबाज सेनापति, या फिर लालची सेनापति। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट एवं लाइक कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो यह कैसा लगा। यदि आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसा और वीडियो ला सकूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।